राज्य मध्य प्रदेश, जिला अनूपपुर, प्राकृतिक संपदा से भरपूर, पहचान कोयले की खदानों से। ग्रामीण आबादी अधिकांशतः आदिवासी। दास्तान है अनूपपुर के आदिवासी बहुल कोडार ग्राम और आसपास के अन्य गांवों की। ये हकीकत है कि कुछ एक वर्ष पहले तक कोडार ग्राम राज्य शासन की सूची में पहुंच विहीन था, यानी गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं। नतीजा, रोजी रोटी के लिए जंगलों की भटकन, हर कदम पर संघर्ष, अंतहीन संघर्ष। पहले सर यहाँ कोई रोड वोड नहीं था, लोग पैदल चलते थे और एक एक दो दिन में जैसे शहडोल पहुँच जाते थे। और जैसे हमको बस पकड़ना है, राजनग्राम जाना है, अनूपपुर जाना है, तो पहले हम यहाँ 4 बजे उठ करके और जाते थे, जतहरी से या सरई से बस पकड़ते थे। 4 बजे सुबह चलते थे यहाँ से, तो वही 8-10 बजे वहाँ पहुँचते थे, इसके बाद वहाँ बस पकड़ते, इसके बाद जाते थे राजनग्राम। एक तरफ तो ये अद्भुत सौंदर्य है और दूसरी तरफ जीवन में हर कदम पर जोखिम। बरसात के समय यही शांत जल जब प्रवाह के साथ उमड़ता था तो इस क्षेत्र को बाकी दुनिया से पूरी तरह काट देता था। क्षेत्र की तदबीर और तस्वीर दोनों बदल गईं सिर्फ एक सड़क के बनने से। ये बहुत दुर्गम क्षेत्र की सड़क है, पूरी घाटी पहाड़ी होते हुए ये सड़क बनाई गई है। क्योंकि ये पूरा रिच फॉरेस्ट जंगल विभाग का था, तो मैनुअल इसकी पूरी खुदाई की गई है, ब्लास्टिंग परमिटेड नहीं था यहाँ पर, मैनुअल खोद करके काफ़ी समय, 2 साल लग गए हैं, जबकि बनना था सड़क को 1 साल में। पहले एक लेयर ऊपर की काटी, फिर दूसरी लेयर काटी, फिर तीसरी लेयर काटी, ये घाट काटने में काफ़ी समय लग गया इसमें। इस क्षेत्र में लगभग 6-7 गाँव लाभान्वित हुए हैं, उड़ल, कोड़ार, बघाड़, सरफा, सिलवारी टोला, इसके अलावा लगभग 3,500-4,000 जनसंख्या के आसपास इसके लोगों को लाभान्वित हुआ है। आइए प्रकृति के नजारे देखते हुए आनंद लेते हैं इस दिलकश सफर का और बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। PMGSY ने ही दी है इस क्षेत्र को पक्की 12-मासी संपर्क सड़कों की सौगात। बदला है जीवन, भर गए हैं जीवन में रंग। जिन गांवों में योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य हुआ, उन गांवों की आबादी 500 से भी कहीं कम थी। हाँ, अपने इस सफर में हमारी मंजिल मुख्य रूप से कोडार ग्राम है। खुशकिस्मती कहिए कि आज यही सफर मन के अंदर तक खुशी दे रहा है। ये खूबसूरत सड़क जैसे हमारे ही स्वागत के लिए है। दूर तक फैली मैकल पर्वत की वादियां, उनके बीच काली पीली और लाल मिट्टी के ये षटकोणीय खेत, रास्ते से गुजरते इक्का दुक्का आदिवासी, कुल मिलाकर ऐसा मनमोहक दृश्य पैदा कर देते हैं कि हमारे मुंह से अचानक ही निकल पड़ता है, वाह, बहुत खूबसूरत। ये यहाँ के ग्रामीणों की ही नहीं, हमारी भी खुशकिस्मती है कि यहाँ सड़क बनी, वरना कुदरत का ये रमणीय नजारा देखने से शायद हम वंचित ही रह जाते। और अब कोडार ग्राम तक पहुंचने के लिए इंतजार की घड़ी समापन की ओर है। ऐसे में कोडार ग्राम को लेकर हमारी उत्सुकता कहीं अधिक बढ़ गई है। ये है जोहिला नदी के तट पर बसा बैगा और गोंड आदिवासी गांव कोडार। जनजाति की अधिकता के कारण इसे गोंडवाना क्षेत्र भी कहते हैं। हमारे स्वागत के लिए हुए इस आयोजन ने हमें अंदर तक भाव विभोर कर दिया। पहले सड़क नहीं थी तो कोडार ग्राम बाकी दुनिया से जैसे कटा हुआ था, मगर आज सड़क है तो जीवन जैसे हर दिन एक मंगल उत्सव है। हमें यकीन है कि ये आदिवासी गीत संगीत और नृत्य आपको भी थिरकने और गुनगुनाने के लिए विवश कर रहा होगा। और
इससे पहले कि हम कोडार ग्राम की दास्तान को आगे बढ़ाएं, आइए पहले चलते हैं यहाँ के हाट बाजार में, जो सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही लगता है और वो दिन आज है। पहले कोडार ग्राम के वासियों को नमक, तेल, लकड़ी के लिए टिटही, जैतहरी और कुआं टोला के साप्ताहिक हाट बाजार पर निर्भर रहना पड़ता था। सड़क बनने से इस हाट बाजार में शहडोल और अनूपपुर से छोटे व्यापारी आने लगे हैं। साथ ही गांव के ही कुछ युवा पटरी पर अपना सामान लगाते हैं। पहले सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर ही सामान मिला करता था, मगर अब यहाँ टॉर्च, बैटरी लैंप और सोलर लाइट भी आसानी से मिल जाती है। कुल मिलाकर सड़क ने यहाँ जीवन की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है। आदिवासी चाहे हमसे अपने दिल की बात न बोल पाए, लेकिन सड़क होने की अंदरूनी खुशी उनके चेहरों पर साफ झलकती है। और इस नन्हे मुन्हे बच्चे की ये मस्ती भी तो इसी सड़क के कारण है। कोडार ग्राम के समान ही यहाँ के अन्य गांव भी छोटे छोटे टोलों में बिखरे हुए हैं, और अगर इस क्षेत्र के कुल 7-8 गांवों की आबादी को जोड़ा जाए तो भी संख्या 3000 के आसपास ही होगी। और फिर बात आबादी के कम या ज्यादा होने की नहीं है, विकास का अधिकार देश के हर नागरिक को है। सरकार का प्रयास है कि सभी को समान रूप से विकास का भागीदार बनाया जाए। ये हैं ग्राम पंचायत कोडार की सरपंच हिरोंधिया बाई। कुछ समय पहले जहां आदिवासी कैमरा देखकर जंगलों में भाग जाते थे, वहीं आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से इतनी जागरूकता आ गई है कि ये महिला सरपंच अपनी बात कह पा रही हैं। सवेरे उठते रहे जान मंझगांव तक पैदल, साडोलू से फिर बस यहाँ 8-9 बजे पहुँचे। सड़क बनने के बाद सर हम लोग उनको आने जाने की सुविधा है। सड़क बनते ही अब दूर दराज के क्षेत्रों से भी बच्चे समय पर स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल के शिक्षक भी नियम से आते हैं। ये इस दिशा में स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा के प्रति यहाँ के वासियों का रुझान बढ़ा है। विशेष रूप से स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति पहले की अपेक्षा कहीं अधिक है, वरना पहले तो स्कूल के दूर होने की बात कहकर यहाँ के आदिवासी लड़कियों की शिक्षा के प्रति लापरवाह रहते थे। हाँ, शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने में सरकार के मिड डे मील कार्यक्रम का भी काफी बड़ा योगदान है। यहाँ के सभी स्कूलों में दोपहर का भोजन नियम से बनता है। सड़क होने से मिड डे मील के लिए अनाज, साग सब्जियां आदि सभी जरूरी सामान अब आराम से आ जाता है। पौष्टिक भोजन मिलने के कारण एक तरफ तो जहां ग्रामीण परिवार अपने बच्चों के खान पान को लेकर निश्चिंत रहते हैं, वहीं नियमित संतुलित आहार के कारण बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर नजर आता है। कभी वो समय था जब गांव में आंगनबाड़ी तो थी, मगर इसके रोजाना खुलने पर संशय ही रहता था। मगर अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर दूर होने पर भी यहाँ नियम से आती है। कारण एक बार फिर वही कि यहाँ सड़क जो बन गई है। टीकाकरण, पोलियो की दवा और उल्टी दस्त का इलाज भी किया जा सकता है, ये तो कभी इन गांव वालों ने सोचा भी नहीं था।
अब जबकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और डॉक्टर नियम से आते हैं, तब ऐसे में ग्रामवासियों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता आई है। डिस्पेंसरी में विशेष रूप से महिलाओं की अपने छोटे बच्चों के साथ मौजूदगी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहले क्या होता था कि गाड़ी नहीं जा पाती रही, टीकाकरण नहीं हो पाता था, अब लोग जा पाते हैं, एनएम पहुंच पाती है उप स्वास्थ्य केंद्रों पे और टीकाकरण होता है, लोगों को आने जाने की सुविधा अच्छी मिल रही है। यहाँ पे रोड बन गया है, इसलिए बच्चों को पल्स पोलियो पिलाने के लिए साधन हो गया और ले आते हैं सभी लोग पल्स पोलियो पिलाने के लिए महिलाएं बच्चों को। पहले गांव में सड़क ही नहीं थी, तब ऐसे में संचार व्यवस्था की बात भी लगभग बेमानी ही कही जा सकती थी, मगर अब गांव-गांव तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचने से जीवन की राहें आसान हुई हैं। पहले बीमारी या फिर डिलीवरी के समय गर्भवती की तबीयत बिगड़ने पर उसे चारपाई पर डालकर डॉक्टर तक ले जाना पड़ता था, अब 108 डायल करते ही एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती है। एम्बुलेंस सेवा यहां पूरी तरह से निशुल्क है। बीमार हो जाता तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी सर। उस समय क्या था कि यहाँ आने जाने कोई साधन नहीं, ना अस्पताल भी नहीं है पास में। अब यहाँ से हर स्वास्थ्य केंद्र लगभग वही 50-60 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो कई बच्चों को मौत भी हो जाती थी पहले। अब ऐसा दिक्कत अब नहीं है, रोड बन जाने से सब तुरंत अस्पताल पहुँचा देते हैं। कभी वो भी समय था जब सरकारी राशन के डिपो से राशन लेने के लिए 15 किलोमीटर दूर चैत हरी कुआं टोला तक पैदल जाना पड़ता था, मगर अब कोडार ग्राम में ही सरकारी राशन की दुकान खुल चुकी है, जहां सड़क के जरिए आए दिन चीनी, अनाज, चावल आदि की सप्लाई होती रहती है। अनाज की सहज उपलब्धता ने ग्रामवासियों को एक बड़ी राहत दी है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक काल में सभी सभ्यताओं का विकास नदी के आसपास हुआ, मगर अब विकास के लिए सड़क सबसे महत्वपूर्ण हो चुकी है। यहाँ नदी तो पहले से थी और अब सड़क भी है, ऐसे में समय के साथ साथ क्षेत्र का विकास स्वाभाविक ही है। हाँ, क्षेत्र में यातायात की सुविधा होने से इसका फायदा बस वालों को भी हुआ है। पहले मैं 40 रुपए कमाता था, आज 400 रुपए कमा रहा हूँ। सड़क बनने के कारण ही यहाँ जिंदगी की गाड़ी पटरी पर नजर आ रही है। अब देखिए ना, सड़क बनते ही इस गांव की लड़की शकुंतला यादव को मानो उम्मीदों के पर लग गए। रोज सुबह घर की दहलीज से निकल शकुंतला पढ़ने के लिए काफी दूर जाती है और शाम तक अपने गांव वापस भी लौट आती है। काले सांप की तरह गांव, पहाड़ और जंगलों में दौड़ते तारकोल और बजरी से बने इस रास्ते को क्या आप सिर्फ एक सड़क का ही नाम देंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो लहराता बलखाता आंचल है विकास का, जिसे थामकर कोडार ग्राम और आसपास के गांवों के गरीब से गरीब आदिवासी अब तरक्की के हाईवे तक पहुंच रहे हैं।